नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और आपके साथ मैं हूँ रीना। धरती पर बुराइयों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने कई अवतार लिए हैं। शास्त्रों में भगवान शिव और भगवान विष्णु के कलयुग में के अवतारों का भी वर्णन है। भगवान विष्णु कलयुग में कल के रूप में अवतार लेंगे, जबकि भोलेनाथ के दो अवतार तो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। भगवान शिव के दो अवतार हैं, भगवान हनुमान और महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा। इनमें से भगवान हनुमान पूजे जाते हैं, जबकि अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि आज भी वो कहीं घने जंगल में भटक रहे हैं। हनुमान ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजना की कोख से जन्म लिया था। वहीं अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य के घर में हुआ था। इसके लिए द्रोणाचार्य ने घोर तपस्या कर शिवजी से वरदान मांगा था कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। तब समंतिक रुद्र के अंश के रूप से अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। जब पवन पुत्र हनुमान माता सीता को खोजने के लिए पूरा समुद्र लांग कर लंका पहुंचे, तो सीता माता ने उन्हें अमर होने का आशीर्वाद दिया था। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और उनके भक्तों की संख्या असंख्य है, और जहां कहीं भी श्री राम का भजन कीर्तन होता है वह वहां पहुंचकर उसका आनंद भी लेते हैं। इसके अलावा वही महाभारत युद्ध के समय जब कौरवों की पराजय हो गई थी, तो अश्वत्थामा ने रात को सोते समय पांडवों के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी थी। साथ ही उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इससे नाराज होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम चिरकाल तक पृथ्वी पर जीवित रहोगे और भटकते रहोगे। इसी कारण से आज तक अश्वत्थामा भटकते रहते हैं जंगलों में। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।